राजधानी जयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यूपी बसों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी नेताओं ने बुधवार को वीसी करके कांग्रेस पर श्रमिकों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं वीसी में कोरोना को लेकर राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के मामले में यूपी सरकार के अड़ंगे के बाद भाजपा और कांग्रेस में राजनीति शुरू हो गई है। इसको लेकर बॉर्डर पर बसें खड़ी हैं, लेकिन मजदूरों को लेकर हो रही सियासत थम नहीं रही है। और इतनी सियासत करी कि कांग्रेस पार्टी, मैं ये मानता था कि राजनीति करती है, ओछी राजनीति करती है, इतनी ओछी करेगी ये कभी लगता नहीं था। और उसके लिए उन्होंने राजस्थान को ही चुना। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी ने 1000 बसों के जिस तरीके की नौटंकी राजस्थान में रची, उसके एक बयान की मैंने अभी ट्विटर पे 2 घंटे पहले ट्वीट किया है, उसकी हकीकत जानने के लिए आप लोगों के बीच में मैंने वो वीडियो पोस्ट किए। जिस तरीके से प्रवासी श्रमिकों को और प्रवासी राजस्थानियों को लेके राजस्थान की सरकार ने, खासतौर पर मुखिया जी ने जो राजनीति की, उसमें न मजदूरों का भला हुआ, न राजस्थान के प्रवासियों का हुआ, न राजस्थान की जनता का।